इसका अर्थ एकाग्रता कहां आती है, जहां कहीं ना कहीं मामला बहुत गंभीर होता है। तो मैं धन्यवाद देते हुए इस लोकसभा के प्रत्याशी हमारे भिलोड़ा जिले के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, यूआईटी के पूर्व चेयरमैन, सीसीबी के पूर्व अध्यक्ष जी, अब थोड़ी देर बाद मैं नहीं बोलने वाले, सामान्य रामपाल जी शर्मा साहब, राहान और पर्यावरण मंत्री, उसके साथ साथ फॉरेस्ट मिनिस्टर, तीन कॉम्बिनेशन जो पूरा ये शासन तंत्र चलता है, जहां का अर्थतंत्र चलता, उस महकमे के मंत्री रहे सामान्य रामलाल जी जाट साहब, जो अभी मांडव से विधायक हैं। नेट लगती वॉलीबॉल के टूर्नामेंट में, बॉल कहां जाएगा, कहां बोली जाएगी, कौन खिलाड़ी कमजोर, निगाह कहां है, हाथ ऊपर है, निगाह में बॉल जाएगा, बॉडी बुद्धि लैंग्वेज और उसका सोच रखने के लिए खिलाड़ी को जब जाके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता है। ऐसे खिलाड़ी सम्मानीय त्रिवेदी जी जो यहाँ के विधायक हैं सहारा से, हमारे आगामी लाल जी, ये भी कम नहीं, पास तो देते हैं ये और बोली लगाते हैं ये, पास देने वाले बोली मारने वाले दोनों साथ साथ बैठे, इनके सुपुत्र जो यहाँ से प्रत्याशी रहे मनीष सिंह मेवाड़ा साहब, डांगी साहब से आप परिचित हैं, यहाँ के जिला परिषद के सदस्य भी हैं, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत अपना लंबा चौड़ा प्यार मोहब्बत अपन सारी चीजें करते रहे, आप जानते हैं ऐसे डांगी साहब। जिक्र करना चाहूंगा किसान आंदोलन का बहुत अवसर है, किसान आंदोलन जब से शुरुआत तब से ये मांडलगढ़ की धरती विजयलंग की धरती न केवल राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान बल्कि संसार में जो माना जाता है इलाका, वहां के 6 दफा विधायक रहे, 2 दफा राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, इस मीटिंग की साक्षी के तौर पर उनकी सुपुत्री वंदना जी माथुर और उनके पोते राहुल जी माथुर, यहाँ के अध्यक्ष जी, विजयलंग ब्लॉक के अध्यक्ष जी, और मेरे ख्याल से आप जहां भी जितने भी बैठे, मैं अलग अलग नाम लूंगा, करीब करीब 200 तो जिला कांग्रेस की कमेटी की मीटिंग है, अकाउंट हुआ 102 और 250 मरगल सभी आप अधिकारी, 500 गोरिया जो मरगल आप सभी है, कोई सरपंच को, उप सरपंच को, पूर्व कोई, वर्तमान कोई, फाते को, कोई नीचे को, आगे को लिखना है, इसलिए आप कार्यकर्ता नहीं होकर के सभी पदाधिकारी, क्योंकि अब कमेटियां भी छोटी मोटी नहीं आती, कमेटी देश का फैसला करना पड़ता है ना, 500-200 की चीज जाए पैसा वैसे नहीं होता, बहुत कठिन काम, ऐसे सभी आप यहां विराजे हुए हैं। जैन समाज अनुव्रत आंदोलन का समाज है, जैन समाज जहां कीड़ी मारना भी अपराध, उस समाज में एक संत हुए हैं जो करवी भाषा बोलते थे, तरुण सागर जी महाराज साहब, अरे मांडलगढ़ में बिजलिया में नहीं, तरुण सागर जी महाराज को चेलो, ये चेलो फोटो तरुण महाराज, ये तरुण महाराज जी आपने प्रवचन दिया, कड़वी भाषा है लेकिन उन्हें लाइक होते, इतने संत हुए लेकिन कड़वी भाषा बोलने वाला संत के मुकाबले जैन समाज में कोई संत नहीं होता, इसलिए संत क्यों दीजों का संत हो, जाने के बाद बहुत याद आती है, जब आता जब तो यही लफड़ा, लेकिन बाद में बहुत याद आता है, याद आती है गुजरे हुए जमाने की, गीत है ये गाना। तो मैं शुरुआत इस बात की करूंगा, मैंने कहा कि राजस्थान नहीं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, 1986 में मैं थोड़ा सा नेताओं से माफी चाहूंगा, थोड़ा 2 मिनट ज्यादा लूंगा, 1986 में मैं अमेरिका गया, जब यहाँ के अमेरिका का नाम नहीं जानते थे लोग, भारत सरकार के करते, जब फ्रैंकफर्ट से हम जा रहे थे वहां कैलिफोर्निया, रस्ते में कोई यहाँ का इतिहास का गाता था, इतिहास में स्टडी कर रहा था, पीएचडी कर रहा था अमेरिका का कोई स्टूडेंट, उसने मेरे से बाई चांस पूछा, श्रीमान आप कहां से, मैंने कहा मैं इंडिया से, तो इंडिया में वो यहाँ पे मेवाड़ की और चित्तौड़ की वो हिस्ट्री ले रहा था, उसमें उसको पीएचडी करनी थी, उसने कहा आप जानते हैं बिजलिया किसान आंदोलन हुआ उस जगह को जानते हैं,
मैंने कहा मारा भाई, अरे दादा हूँ जानू कि मारा बाप दादा ही हूँ मेरा मारा बाप हूँ तो वो आदमी हूँ रे भाई। तो ऐसी धरती के ऊपर जहां 6 दफा यहाँ का मुख्यमंत्री बिना किसी स्पीड ब्रेकर के, बाण तो स्पीड ब्रेकर बाण खेला ना जरा बंदरा जी का 2 दफा हुई लेकिन 1 दफा स्पीड ब्रेकर लगा दी, 1 दफा तो गाड़ी पार आ गई लेकिन सोचो स्पीड में ज्यादा तो ब्रेकर लगा दिया। बिना स्पीड ब्रेकर के राजस्थान में 6 दफा विधायक और 2 दफा राजस्थान के मुख्यमंत्री, उस इलाके में उन चुनाव और पूरा हिंदुस्तान की निगाह हो, उन चुनाव में 12-13 हजार से जीते और उसके बाद में 9-10 महीने वापस चुनाव और उसमें 12-10 हजार से हारे। मंथन है गंभीर विषय, मंथन चिंतन सोच समझ गंभीरता चेहरे बॉडी लेंगे सारी चीज में मंथन करना पड़ेगा। और राज राज होता है, कहावत है गाना राज को राज रहने दो पर्दा खुल जाएगा तो है वो गानों फिल्मी का हर गाना हर चीज पे इसमें सारी चीज की शिक्षा है। पर्दा जो उठ गया तो फिर क्या होगा, पर्दे में रहने दो इशारे इशारे में समझ लो इशारा है ये है समझ नहीं को। चुनाव में पहले में माथुर साहब जिस टाइम पे शुरू में चुनाव लड़ते थे छोटे बच्चे थे हम नहीं समझते थे वोट क्या होता राज क्या होता, लेकिन उस जमाने में अगर दीपक का या कोई भी अगर दीवार पे कोई निशान लगा दे कांग्रेस के खिलाफ पूरी रात भर हम जागते थे और उसको ढूंढते थे दीपक को निशान को लगाए मुझे रातियों मिल जाए तो ये लाश मिले ये हम उस परिवार से उस क्षेत्र से। लेकिन अब धीरे धीरे जमाना बदलते बदलते मोबाइल आ गए टीवी आ गए नेल पॉलिश आ गई काजल फाजल आ गए आईब्रो टीकियां फीकियां खड़ो खड़ो फिंको फिंक गोरविंद अब आउट ऑफ कंट्रोल। चुनाव में अगर स्थिति यह बंदी की पहले तो चुनाव में क्या होता था कोली को खर्चो कतरा भाई ये चाय पानी को खर्चो आजकल यू न कर आजकल पैकेज आजकल पैकेज भी अकॉर्डिंग अलग अलग इंजीनियर आईटी का है मैकेनिकल का है केमिस्ट्री का इंजीनियर है डॉक्टर अलग अलग पैकेज तो हमारे नेताओं का भी अलग अलग श्रेणी का अलग अलग पैकेज। लेकिन हम इतने मानते हैं सब चीज करने के बाद में हम क्यों हम बुद्धि की भी तो है कैपेसिटी तो हम है बात करने का लहजा हम है सारी चीज को घुमा करके हम क्या करते हैं कि सब दबियो तो डिबियो खुश उपचारना था बोरी ने उन्हें खैर तो ये चुनाव जो है शुरुआत मैंने कहां से करी किसान आंदोलन से फिर वापस जोड़ रहा हूं इसे किसान आंदोलन के टाइम पे हिंदुस्तान को आजाद कराना था इस कुर्बानी करी लोगों ने 49 वर्ष आंदोलन चला जब तक हिंदुस्तान की आजादी उसके बाद वोट करा दिया लेकिन 70 साल की आजादी के बाद में फिर ये हिंदुस्तान की आजादी खतरे में है इसका मतलब ये चुनाव वापस हो किसान आंदोलन इसमें कई तरह के कीड़े मकोड़े सारी चीजें ये चीजें आएंगी आपने फसल बोवा तो कौन कतरा तरह कीड़ा लगा तो अलग अलग दवाएं निकली तो फिर नए मुझे उनकी दवाई लगाओ तो ठीक चीज लगा पत्ता नहीं सही करो तो डाली खराब हो जाओ डाली ठीक करो तो पत्तों खराब हो जाओ चढ़ने जा मारे विषय बहुत गंभीर है। इसलिए मेरा इस अवसर पर निवेदन है कि प्रजातंत्र को बचाने के लिए रामपाल जी शर्मा या कन्यालाल धाकर या भीलोरा का सवाल नहीं आ रहा सवाल आ रहा हिंदुस्तान का देश का सवाल आ रहा। पिछले टाइम पे मैं अमेरिका में था उस टाइम पे आप तो हमारा देश तो अभी गरीब है और ट्रंप जो वहां का प्रेसिडेंट है वो गपोड़ों में जीत गया उसने गप्पे मारी जिसमें जीत गया वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बने और हमारे यहाँ भाई और बहनों ताना कुर्ता कुर्ता 15 लाख लाना करते ये प्रधानमंत्री बने उसने भी ऐसे ही करा अमेरिका जैसा देश जहां इतनी पढ़ाई लिखाई वो केवल लक्ष्यदार बातों से झूठ जाल से सारा काम होगा। आज के जमाने में झूठ जाल नीचे ऊपर गणित तगड़ी चाल अब इन्हें खुद दवाई दे बीमारी में काट बड़े बड़े आएंगे बारी बारी भाषण होंगे सब कुछ होगा। तो मैं ये लंबी बात इसलिए कर रहा हूं माफी चाहता हूं अंदर में बहुत बड़ी पीड़ा और पीड़ा इस बात की है तो उस जमाने में जहां किसान आंदोलन हुआ पूरे हिंदुस्तान को संसार को दिशा दी उस क्षेत्र का एक लड़का किसान लड़का चुनाव लड़ा उपचुनाव में तो जिता दिया उसको जनता ने या किसी ने भी
लेकिन उसके 10 महीने बाद में उसकी भ्रूण हत्या कर दी। वो कौन थे? वोटर यहां पे, नेता यही है, प्रचारक यही है, सारी चीजें। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती करी, चाहे मैंने करी हो चाहे किसने भी करी हो। उस गलती का दोहराना नहीं है। और अभी जैसे मान लो मैं तो कहीं भी बोलता हूं तो मेरा वायरल बहुत होता, मेरे बोलते पहले वायरल हो जाता। मैं बोलियो और धाकड़ साहब वायरल, चालियो और धाकड़ साहब वायरल। बानु मजाक कर रहे हो, मां के दो ही खिलाड़ी बैठे हैं, रामलाल जी मां बैठे जिसने कोई धाकड़ साहब को यो लेके हुए तो मैं आपको दिन लारा चाल रही। मैं आपको मजाक करी, मैं आपको दिन आपको लारा चाल रही। किसी गाड़ी होने वाम आएगी ना, मैं कहते तो हर बात के ऊपर 3 इंजन लगाओ गाड़ी का जो काम कोई। मजाक कर रहे थे तो कुल मिला के सारी इस बात का है। उस चीज को समझ गए कि आपको देश के खातिर सारी चीज है। घाव कहीं होता है तो उसमें कई दफा घाव ऐसा होता है इसके जिसके क्या होता है, एक तो घाव ऐसा आसानी से भर जाता है। एक एक जगह होता है जिसको शुगर की बीमारी होती है, उसको क्या कहते हैं? नहीं, उसको इंग्लिश में डायबिटीज वाले को जो अगर होगी बिरयानी मिली कहीं नहीं होगा, डायबिटीज उनकी रिपेयर न। तो आप सभी कार्यकर्ता नहीं, आप सब नेता है, सारे पदों वाले लोग। तो सभी सम्मानित पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है इस बात को तो गंभीरता ले। बातें कहने की बहुत है क्योंकि मेरे साथ समस्या ये कि मैंने नेता लोग भाषण के लिए बुलावी कर तो मैं आपको दिन सोचू मैंने कोई बुलाओ तुम्हारी भड़ास निकले, भड़ास निकले मार दो आप आए तो करो। कहा मूवी भूल चुको इंजीनियर तो लेकिन इमें खुशी होनी मारी रोज आवे मैंने कोई भाषण और छापा फिर मारे। और ये जाने के मामी ने मारी पकड़ा इन्हें फोड़ खाना कही मैंने क्या इंद्रे भाई दो मैंने पूछा क्या बोल रहा हूँ बोल मैंने बुला रहे बुला। सारे सुन रहे हैं समझने चुनाव में जितनी चीज गांव का वोटर समझता है गांव का कार्यकर्ता समझता है ये जितने भी दिल्ली में योजना बनाने ना बड़े बड़े आईटी सेल के फलाने सेल की ये कहीं नहीं समझे। ये तो उन्हें देखे योगे योगे तार माते हो गए तेने चला तेने पता ही लाभ है कहां से कहां जाएगा आपको हारा ही वोट आ रहा है सुबह बाहर कट जाऊं पेटी में पता ही लाभ है होता ही रोकते क्यों वोट खोदो वोट ने वोट तो क्यों करना कहीं होगा रात माहौल बदल गया कहूं बदली तो खाले तो बरसात आ रही है माहौल रात फैन बदल गया रात ने गड़ा पड़िया ने बरसात आई ने कहीं दूध आई रही हो कहीं कहीं कहां शाम तो कहीं राज्य बदल गया बदल जाए माहौल। तो उन माहौल बदलने वालों के ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी। इनमें बादलों कितने आ रहे हैं काला बादल आठी ना बरसात वो भी चेक करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए मैंने कड़वी बात कही जहां तक मैं सोचता हूँ और मुझे इतना प्रसिद्ध कर रखा कि कड़वी बात के लिए सारा नेता जाने के धाकड़ साहब बोल बाके लेकर चाउजी चाउजी के गाना खाटे चाहिए। अरे मैंने कहा सुनी पान की दुकान पे गिरी खुलने गाना खाटी हो तो मैंने थोक होने का नहीं इस चीज को झेलते झेलते काले बाल से आया था आज 30 साल पहले राज सार्वजनिक जीवन में आया था जैसे विवेक ने उदाहरण उसका कारण था मेरा राजनीति क्या लेना था मैं इंजीनियर था उस जमाने में कोई चपरासी थोड़ी लग रहा था लेकिन खातेदारी कानून का माथुर साहब के मेरे दोनों के बीच में विवाद हुआ था खुली बात ओपन उसके बारे में जब ये चीज आएगी जमीन हमारी भाटा दूसरा काटे करोड़पति वो बने काश्तकार उनका रहे और दाढ़ी बड़ी हुई और उसके चप्पल नहीं वो पाँव है मुझे बर्दाश्त नहीं उस चीज पर विवाद हुआ नौकरी से इस्तीफा दिया उसके बाद मुखादारी कानून बनाया। आज जो मानगढ़ में भीलवाड़ा में जो चमक है उसका 40% हिस्सा उस स्थान के बिजनेस का ओपन कह रहा हूं वो वहां पे चीज चली लेकिन धन धन होता है पहले केवल ऊपर माल में खाने को अब दो एक साल हुई रेत को गोरन दौर हो चौराई तो थोड़ी रेत में बड़ा बड़ा नेता रेत का चल रहा ट्रोला फट रहा एंट्रियां चल रही फेंट्रियां चल रही हो रही हो क्योंकि ये धरती है मांडलगढ़ में जितना पानी है कहीं नहीं मांडलगढ़ की जितनी धरती उपजाऊ वो कहीं नहीं है मांडलगढ़ के धरती में जितना मिनरल कहीं नहीं है मांडलगढ़ में जितना फॉरेस्ट कहीं नहीं है लेकिन एक चीज की कमी अरे स्कूल जा पाओगे लगभग स्कूल जाओ तो स्कूल के फांसे जाओ बैठ जाओ आपको दिन फांसे फांसा जाओ यो लफड़ो बढ़ रही हो ये बात है बादला बीजला चालता रहा छड़न उठाओ जी जाओ बेचा तो इलाका नहीं हो चरणों नहीं बंद करो अपना डंडे डोर नहीं चलाओ दूसरा को चेहरी वोट फोटो करी वोट दूध दे आपने चेहरी तो हाथ फोटो तो आपने गिरा
ये चीज को ध्यान रखना जगह। आप सर से मेरा करबद्ध निवेदन कि इस चुनाव को चुनाव नहीं मान करके, प्रियंका जी ने एक बात कही थी आज तक किसी नेता ने जो नहीं आई राजनीति में एक महीने पहले, उसने कहा जागरूकता देशभक्ति, समझते हो कैसा? बड़े बड़े फेसबुक वाले बैठे हैं, रोज फेसबुक अंदर एंटर होते हुए फेसबुक, निकलते हुए फेसबुक, ऊपर टीवी पे चढ़ते हुए फेसबुक और नीचे उतरते हुए फेसबुक, यो कहीं फेसबुक रहा कोई। उन्होंने एक बात कही कि प्रजातंत्र में सबसे बड़ी चीज है देशभक्ति, जागरूकता, वोट के प्रति चेतना। आपका वोट कहां जाना चाहिए, वोटर में कितनी जागरूकता है, वोट वो कहां दे रहा, देश हित में दे रहा कि पुचड़ी में दे रही हो कि पैकेज में दे रही हो, वोट घटे जा रही हो, ईमानदार को दे रहा है बेईमान को दे रहा, आगे जाके क्या करेगा। ये जागरूकता देशभक्ति है। और मेरी परिभाषा से कोई भी देश हो उसकी रक्षा के लिए एक तो सैनिक होते हैं जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, चाहे 10-10 फीट बर्फ हो उसके ऊपर रात दिन वहां चलते, चाहे कितनी हवा चलती हो। हम जाए, हम ले गए थे हमको वहां पे ऊपरी चोटी पे गए, उन्होंने कहा आधा घंटे ज्यादा नहीं रोकते, आधा घंटे ज्यादा हम रुक जाएंगे सांस निकल जाएगी, वहां पे बॉर्डर पर लोग रहते हैं, एक तो देश की रक्षा करता, दूसरा संविधान की रक्षा कौन करता है, ये जागरूक मतदाता, ये देश की रक्षा करता है, देश का प्रश्न है। कहने को बहुत तुझे थोड़ों का आप्रो तो उतरी हो, आगे 10-15 दिन में एक मौका और दीजिए, आगे बैठ जाओ और काट दे, आगे तो उतर गए मारो और भीतरता। और मैं आप सभी नौजवान एक और मजाक करने जाते जाते, चाहे कहीं भी है माई साहब धाकड़ा में फिर और धाकड़ नहीं बोर्ड देते, धाकड़ की अशोक भैया को हड्डियों रखी इन बोर्ड का अंदर, और हड्डियों के लिए खेत ना हापड़ लिया, एक साबुन लिया उन्हें हापड़ा तो ना दो धाकड़ नहीं बोर्ड दे किसी दिखो ना दर, और अतरो फूक लो तो नहीं अच्छी बट्टी आओ ना फसला, और शैंपू वैंपू लगा लगा धाकड़ को तैयार करता फिर दे दो। इसलिए इस चीज को कहते हुए आप सब सजग हैं, मैंने सारी बात जो कहनी चाहिए थी कटाक्ष के रूप में, महाराज जो कड़वे शब्द थे उसके रूप में, देशभक्ति के रूप में, और इस मांडलगढ़ की धरती है उपरमाल की धरती, किसान आंदोलन कोई पैदा हुए जो 49 वर्ष आंदोलन चले और उसके बाद में आजादी आई, दूसरे खाका के लोगों ने जिंदगी काटी है तब आजादी आई, तमाशा नहीं है। और आजादी के लिए तो कुर्बान हुए, आज इतने लोग कुर्बान हो सकते हैं, चाल ले जो कहीं हो चाल लो, आगे साधन आगे रुकनो चाय आगे रुकनो पानी आगे रुकनो बैठ भागो उठ भागो चाल भागो, आजादी की लड़ाई उनको क्या दिया किसी, कुछ नहीं, कुर्बानी के अलावा कुछ नहीं मिला। सारा निवेदन कर दिया मैंने, पहले इजाजत ली, माफी चाहता हूँ नेताओं से, मैं थोड़ा सा बोलूंगा तो वो महाराज साहब को मुझे भक्त हो ने वहां को जैन समाज, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, और कभी कभी मौका हो तो मांडलगढ़ में मानी बुला ले करो टेलीफोन कर, आज दूसरा ना बुला रहे मानी खेतो घर का इस पास बैठ जा बोल नहीं था खेदता मत डूबो। आशा है आप इसको मनन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। और जो प्रियंका जी ने जो नई चीज दी कि सजगता वोट के बारे में, ये देशभक्ति है, उस देशभक्ति को एक वोटर पर वहां लड़ रहा है, एक यहाँ वोटर यहाँ देशभक्ति के लिए मर रहा है, देश को बचाना है, दोनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही बात निवेदन करते हुए खुले में आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, जो पैकेज सिस्टम उसको टोटली बंद कर दीजिए, और जहां कोई सिस्टम आए पता लगे पैकेज सिस्टम उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए, खाद बीज डालो यानी कि दवाई डालो जो पता लगा वो पैकेज आ ही बनो। ये कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अवसर दिया हमारे संचालक महोदय ने, नेताओं ने इतना बोलने के लिए, हालांकि मेरी इतनी है शक्ति नहीं मैं इतना लंबा बोलूं, लेकिन चूंकि बाई चांस मुझे टाको ही दाखड़ पाई मैं क्यों घाप लिया मार लगा दिया। ये कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम। हमारे बीच सारा